पूरा स्कैम चला रखे। अभी देखते हो ना भाइयों का मैंने। तो भाई ये कुछ रूम है, ये क्या चीज है भाई? वो वीडियो तो देख लेते हो, इनको थोड़ा फॉलो भी किया करो। तीन बंदों के लिए होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। यू आर वाचिंग आरडी व्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? तो आज अपना भाई विजिट वीजा पे जो भाई आ रहा था, तो मैं सोचा काफी लोग ये पूछते हैं कि विजिट वीजा पे जब आए तो कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे हम इजीली रूम ले सकते हैं विजिट वीजा पे आगे। तो अभी आप विजिट वीजा पे कितने में ले रखे है ये रूम आपने भाई? ये 500 में। 500 दिरहम पर मंथ। और कैसा है यहाँ का रहन सहन, कैसा है हर महीने का खर्चा, कितना हो जाता है आपका? 500 दिरहम तो रहने का तो नॉर्मल है ही है। हाँ, वो तो यहाँ की मतलब रेंट हो गया, रूम रेंट हो गया, उसके बाद खाने का खर्चा कितना हो जाता है यूजुअली अगर कोई नॉर्मल सा कोई बंदा आए? और डेली का खर्च कितना हो सकता है आपका? अगर कोई मतलब ये लगा लो अपना थोड़ा आराम से जो नॉर्मली खाना होता है, कंजूसी करता है, कंजूसी करता है, उसका 600 दिरहम तो लगेगा ही। अच्छा, ठीक है। मैं उसकी नहीं कहता जो एक टाइम भी रोटी खावा है, ठीक है। एक टाइम भी रोटी खाते सही बोल। मैंने बहुत देखे यार, आड़ा है दुबई का, बस जॉब लगने के बाद ही कुछ फायदा है खर्चा करने का। ना तो भाई मेरा ही डाला 3 लाख रुपए ला लो। चलो वो बात तो अलग है। तो इस एरिया का नाम क्या है पहले ये बता। है अलकुज। अलकुज? अलकुज नहीं, क्या नाम है इसका, मैं नाम भूल गया। अबू है जो अभी अभी यहाँ पे चल रहे ना। हाँ। इसका है अलकुज। यहाँ पे भी रूम रेंट मिलता, रूम मिलते। अच्छा, ये अलकुज एरिया है। हाँ। अच्छा, यहाँ तो ट्रांसगार्ड का भी अपना कैंप है। हाँ। और अभी जो मैं जहाँ पे रहता हूँ जो फिलहाल है वो है नूर अल नाज। नूर अल नाज, ओके, ठीक है। यहाँ पर ज्यादातर एरिया रूम रेंट का ही है। अच्छा, रूम भी रेंट पे मिल जाते हैं लगभग 2000 के अंदर, और अपना सिंगल बंदे के लिए 500 दिरहम, ठीक है। और यहाँ पर खाने का बता दिया मैंने, 600 दिरहम तो है ही है। 800 दिरहम में अच्छे से इंडिया वाला खाना खा सकोगे तुम, मतलब बढ़िया तरीके से रहना। और लगभग अगर जॉब ढूंढने के लिए आ रहे हो तो 5000 के आसपास, 6000 के आसपास तुम्हारा आने जाने का हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, को अपना मेट्रो से जाओ, बस से जाओ, सब। तो भाई अभी देखो ये जो एरिया है इसका स्टेशन का, मेट्रो स्टेशन का नाम है अबू हेल, और जो भाई का रहता है उसका क्या नाम? अबू नेल नूर अल नाज। नूर अल नाज एरिया का नाम है। अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हो तो इधर रह सकते हो, क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन पास में है, 500 मीटर दूर है ना। हूर अल नाज, हूर हूर नूर। चलो ये लोकेशन जो डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे हम, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। कोई भी सीधा विजिट वीजा पे आए सीधा फ्लाइट से अबू हेल मेट्रो स्टेशन पे उतर के और इस लोकेशन पे आ जाना, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और यहाँ पे आके आप रह सकते हो, स्टे कर सकते हो, खाना पीना देखो। सबसे बेस्ट जगह है ना, अगर दुबई में कोई भी आओ, टूरिस्ट आओ या कम बजट वाला टूरिस्ट आओ या कोई भी आओ, तो अलबराहा डेरा में अलबराहा वहाँ पे जो मतलब रहने का मजा भी है ना। इधर तो मतलब ये है अपना काम से काम रखना है, जो अलबराहा के पास है ना वहाँ हर तरह की चीज़ मिल जाती है, वो लगा लो एक तरीके से इंडिया है, दुबई का इंडिया। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? अलबराहा दुबई। हाँ। उसकी भी मैं जो गूगल की लोकेशन है गूगल मैप की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। तो अगर आप इधर रहना चाहो तो भी ठीक है, 500 दिरहम है और पास में ही अपना मेट्रो स्टेशन है 500 मीटर दूर। अब हम इस भाई के रूम में ही जा रहे, रूम भी दिखाएंगे आपको। और दूसरी जगह आपने बताया अलबराहा नाम है, अलबराहा हूर अल नाज, ओके, दो लोकेशन होगी, अबू हेल, ठीक है। ये तीन जगह है जो मतलब अच्छे से इंडिया वाली फीलिंग भी आएगी, यहाँ पर ज्यादातर बंदे इंडिया के भी, पाकिस्तान के तो भी। जॉब ढूंढने के लिए अगर आप विजिट भी जा पा रहे हो तो इन तीन लोकेशन का, मतलब दो लोकेशन का डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर लेना गूगल पे। और अभी भाई के रूम में चलते हैं और वो रूम भी दिखाएंगे। हाँ भाई प्रधान सर, ये बोलना कि मेरे को अगर जॉब नहीं गई होगी। चलते चलते एक और भाई था जो कि विजिट वीजा पे आ रहा था जॉब ढूंढने के लिए, तो दीपक भाई के रूम में 2-4 बंदे थे, उन्होंने इंटरव्यू के बारे में पता किया था, तो उसने इनके इस भाई को भी बता दिया कि यहाँ चला जा वहाँ चला जा, और वो अपने रूम की तरफ जा रहा था लेकिन वापस मेट्रो स्टेशन की तरफ चल गया, क्योंकि इसने बताया कि तलाल मार्केट है वहाँ पे, हेड ऑफिस है वहाँ पे, हेल्पर की जरूरत है, तो उस भाई की हेल्प करती। तो देखो चलते चलते किसी भाई की हेल्प भी होगी, आई होप भाई को जॉब भी मिल जाए। तो भाई चलते चलते यहाँ पे 2-3 भाई और मिले जो कि अपने सब्सक्राइबर भी थे,
तो उनसे भी हमारी बात हुई, उनके साथ भी फ्रॉड करके एजेंट ने उनको यहाँ पे 90,000 रुपए लेके भेजा हुआ है, वो पीछे ही खड़े हैं हमारे। मैं वीडियो नहीं बनाई उनके साथ, मैं छोड़ दो यार, एक बार तो उनका सोल्यूशन हो जाएगा। आज एजेंट बोल रहा है कि चलो मैं आपकी वापसी की टिकट करवा दूंगा, 3 महीने घर पे यहाँ पे खाली बिठा के रखे उनको, कोई कुछ नहीं, मतलब टोटली ये पूरा स्कैम चला रखे। अभी देखते हैं उन भाइयों का, मैंने उनको नंबर दिया है, और अभी वो जब इंडिया पहुंच जाएंगे और एजेंट के साथ क्या कुछ करेंगे वो मेरे को बता देंगे। और भाई ये जो बंदे मिले थे ये बोल रहा था कि सब्सक्राइबरों ने दिखाया, अभी वीडियो देखता है, पहचान लिया देखते ही, तो तुम वीडियो तो देख लेते हो, उनको थोड़ा फॉलो भी किया करो। अभी ये कितनी बार वीडियो में बताता है ये भाई कि अपना ऐसे मत आया करो, ऐसे मत आया करो, इंग्लिश सबसे ज्यादा जरूरी है। यही बात है, अगर वीडियो देखते हो तो भाई साहब आप, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बात समझा करो कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। विजिट वीजा पे आ जाते हो फिर यहाँ पे आगे परेशान होते हो, अभी बोलता है भाई कोई हेल्पर की जॉब मिल जाए, कुछ भी जॉब मिल जाए। ऊपर भी जाना पड़ा है, टूटे टाटे हैं। तो भाई ये कुछ रूम है, ये क्या चीज है भाई, वॉशरूम तो बढ़िया मिल रहा है, सही है, वॉशरूम में बढ़िया साफ है, और कुछ भाई इधर होगा इस तरह का रूम मिलेगा भाई 500 दिरहम में। यहाँ पे दुबई में जब आप विजिट वीजा पे आओगे, ये कौन सा एरिया बताया था भाई ने, हूर अल्लाज एरिया आपको बताया था, ये वो एरिया है, और इसमें इस तरह का रूम मिल रहा है, कितना छोटा सा देख रहे हो, और 500 दिरहम का एसी भी लग रहा है इसमें। हाँ वो है, वो एसी दिखा देते हैं लोगों को, ये एसी लग रहा है भाई। और इधर जाएंगे तो ये वॉशरूम हो गया, वॉशरूम आपको दिखाई दिया, और ये कुछ अलमारी दे रखी है भाई, सभी भाइयों का इधर ही सामान होता है। नो और जैसे कि मेरे जैसा कोई 50 ग्राम फालतू देता है तो अच्छा, जितना सामान इस अलमारी में आएगा वो तो ठीक है, उसके अलावा बाकी है इस तरह बेड के नीचे रखो भाई अपना सामान, और ये कुछ ऐसा हाल होता है। तो दुबई में अगर आप विजिट वीजा पे आ रहे हो और कुछ सोच रहे हो 500 दिरहम में सस्ते रूम इस तरह के मिलते हैं भाई, और ये एक बंदे की कहानी नहीं है, ये हर बंदे की कहानी है, जो भी सस्ते में रूम लेके विजिट वीजा पे आते हैं उनका रूम कुछ इस तरह से होता है। अभी आपको डिसाइड करना है कि आप क्या कौन से, मतलब अगर ज्यादा खर्चा करना 1000 दिरहम 1500 दिरहम अगर आप लगा सकते हो तो अलग बात आपकी भाई, ठीक है मैं 20-30 हजार रुपए पर मंथ दे सकता हूँ और मेरे को बढ़िया रूम चाहिए तो अलग बात है, तो आपको प्रॉपर आप अकेले रहोगे उस रूम में, वो डिवाइडेड रूम होता है। लेकिन अगर आपको सस्ते में चाहिए तो कुछ इस तरह का रूम मिलेगा, किचन भी अलाउड है इसमें, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, बस खाली ये रूम ओनली विद दिस अटैच्ड बाथरूम और 4-5 बंदे रूम में, ये आपको 500 दिरहम में मिलेगा भाई, 300 दिरहम में मिला है। तो ये भाई बता रहा है कि 300 दिरहम में भी रूम मिल जाते, उसका हालात बताओ कैसा होता है उसका भाई। वो एक रूम के अंदर कम से कम भी 18 बंदे कम से कम, अच्छा 20-22-25 तक हो सकता है अगर रूम बड़ा है तो देख लो भाई, जितना मतलब आप ये सोचोगे ना कि मेरे को 300 दिरहम में मिल जाएगी, कोई 250 दिरहम में 500 दिरहम में, उसमें आपको पार्ट ऐसे लोगों के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, जितनी सस्ती रेंज करते जाओगे उतने लोग इंक्रीज होते जाएंगे, और जितना पैसा बढ़ाते रहोगे उतने लोग कम होते जाएंगे। अगर आप मिलकर रहना चाहते हो कि काफी भाइयों के साथ मिलकर, अगर आप कंफर्टेबल हो एक ही लाइन में, इधर पूरे रेलवे की तरह पूरे बेंच बिछे हुए, पूरे बेड लगे हुए, इधर उधर पड़ा सामान, तो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मेरे को बस आज यही था, काफी लोग मेरे से पूछ रहे थे भाई विजिट वीजा में आगे कैसे क्या रूम होते हैं, मैं इसलिए दिखाना चाहता था। और दीपक भाई कुछ बताना चाहते हैं, सुन लेते हैं। और ये वाला रूम है, अगर तुम अपना पर्सन लेना चाहो ना, दो बंदे हैं जैसे ये वाले बेड मिलते हैं, ये दो वैसे ही लगा रखे 500 ये नहीं मिलेंगे, ये वाले बेड मिलेंगे सुंदर, 3 बंदों के लिए होता है, 3 बंदों के लिए। ओके, और या फिर 2000 रुपए दे के तुम अपना पर्सनल रूम बना सकते हो इसको, तो वही बात होगी ना, मैं वही बोला कि 2000 दिरहम जितने पैसे इंक्रीज करोगे उतना आपका पर्सनल रूम होता रहेगा। तो आज की वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए थी, जो भाई भी विजिट वीजा पे आने के बारे में सोच रहा था, पूछ रहा था कि कैसे क्या रूम होते हैं, कहाँ पे रूम मिलते हैं, तो सारी वीडियो आज मैंने इसमें कवर कर दिया है। आप लोगों की डिमांड में जो भी वीडियो होती है मैं वो बना के आप लोगों को पूरी कोशिश करता हूँ दिखाने के लिए, तो ऐसे ही कमेंट करते रहो, वीडियो को लाइक कर देना, अगर अभी तक देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर जाना, और वीडियो को शेयर जरूर कर दो उन भाइयों को जो भाई विजिट वीजा पे आने के बारे में सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।